Good morning students, welcome to our maths online class. So today we will start new exercise 3C. Okay, so multiplication of decimals. अब यहाँ पे हम decimal के multiplication के बारे में discuss करेंगे. Multiplication of a decimal by 10, 100, 1000 etc. ठीक है, यानी कि जब decimal का जो multiplication होता है 10, 100 या 1000 से, तो किस टाइप से रिजल्ट आता है. फर्स्ट रूल ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 10, जो हम किसी भी डेसिमल को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द राइट बाय वन प्लेस. तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है वन प्लेस पे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 है. नाउ ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 100, अगर आप डेसिमल को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल पॉइंट होता है वो टू प्लेस शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है ऑन मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 1000, जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी डेसिमल को, तो जो डेसिमल पॉइंट है वो थ्री प्लेस क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्टली हम डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि 67.24 की जो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट जो है वो वन प्लेस राइट में शिफ्ट होगा. यानी कि यहाँ पर है तो वो कहाँ जाएगा, इधर आएगा. यानी कि ये हो जाएगा 672.4. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ होल नंबर, अगर आप डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन किसी होल नंबर से करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, इसका जो मेथड है, मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाय द गिवन होल नंबर. यहाँ पे हमें डायरेक्ट जो है मल्टीप्लाई कर देनी है डेसिमल की होल नंबर से पहले, तो ठीक है. उसके बाद मार्क द डेसिमल पॉइंट, उसके बाद जो हम डेसिमल पॉइंट जो मार्क करेंगे, टू हैव एज मैनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल एज आर देयर इन द गिवन डेसिमल. तो जो भी आपका जो डेसिमल था, मतलब वहाँ पे जो पॉइंट जिसने नंबर से पहले लगा था उसके प्रोडक्ट में भी उतने ही नंबर से पहले हम लगाएंगे. जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको 5.43 की जब 15 से मल्टीप्लाई करी, तो पहले तो हमने सिंपल मल्टीप्लाई कर दी दोनों की, यानी कि 8145 आया. उसके बाद जब डेसिमल हम पॉइंट लगाएंगे, यानी कि जब 5.43 इंटू 15 इक्वल्स होगा आपका, तो टू प्लेस से पहले यानी कि यहाँ पे 81.45. ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा. नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल, अगर आपको डेसिमल की ही डेसिमल से मल्टीप्लिकेशन करनी है तो उसके लिए सिंपली है कि पहले तो आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, उसके बाद क्योंकि आपके पास दो डेसिमल नंबर है तो दोनों के जो डेसिमल है वो काउंट होके उतने प्लेस से पहले जो है पॉइंट हमारा लगेगा. जैसे कि यहाँ पे इसमें टू प्लेस डेसिमल प्लेस जो है टू है, यहाँ पे वन है, तो टोटल कितना हुआ, थ्री. यानी कि जो दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन करके जो रिजल्ट आएगा उसमें थ्री पे हम क्या लगाएंगे, यानी कि ये रिजल्ट है थ्री से पहले जो है हम थ्री प्लेस लगेगा डेसिमल. ठीक है, यानी कि थ्री नंबर से पहले. नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 3C. फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट. बेसिकली आपको यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंड करनी है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया थे उसी बेसिस पे हम यहाँ प्रोडक्ट करेंगे. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या करना है, अगर किस जैसे कि 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, जो डेसिमल पॉइंट है वो कहाँ होगा, डेसिमल जो है वन राइट में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, यानी कि हो जाएगा 739.2, ये आपका आंसर आएगा. नेक्स्ट जैसे कि 0.7 है, 10 से इसकी मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि डेसिमल जो है वो राइट में मूव करेगा वन प्लेस, यानी कि कितना जाएगा 7.0, यानी कि 7 ही होगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट. यहाँ पे भी आपको सेम है, प्रोडक्ट फाइंड करनी है. अगेन यहाँ पे कितने हैं, 100 से अगर मल्टीप्लाई होगी तो डेसिमल जो है वो टू प्लेस जो है राइट में मूव करेगा. ठीक है, यानी कि जो डेसिमल है वो टू प्लेस राइट में मूव करा, ये हमारा रिजल्ट आ गया. ऐसे ही जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करनी है तो जो भी डेसिमल है वो थ्री प्लेस राइट में मूव करेगा और हमारा रिजल्ट आ जाएगा. नेक्स्ट है 4, फाइंड द प्रोडक्ट. यहाँ पे आपको होल नंबर की डेसिमल नंबर से क्या करना है, प्रोडक्ट करना है. तो सबसे पहले हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो पॉइंट होगा वो कितने नंबर डेसिमल प्लेस पे आएगा, वन डेसिमल प्लेस पे आएगा, यानी कि 86.4. दिस इज द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट. यहाँ पे आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो बेसिकली सिंपली से पहले आप उसकी प्रोडक्ट करेंगे, उसके बाद जो डेसिमल होगा, क्योंकि दोनों ही डेसिमल नंबर है तो टोटल यानी कि 1 और 1 ऐड होगा, तो टू प्लेस डेसिमल प्लेस पे जो है हमारा पॉइंट लगेगा इसके मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट में. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है, यहाँ पे तीन नंबर दिए हैं,
फर्स्ट पहले हम फर्स्ट टू नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन जो भी रिजल्ट आएगा फिर उसका और थर्ड नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फाइनल हमारा प्रोडक्ट आ जाएगा। पहले हमने दोनों की जो मल्टीप्लाई करी तो कितना आया 16.9, ये एज इट इज़ है। उसके बाद जब दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2197, और जो डेसिमल लगेगा वो कितने के बाद लगेगा, पॉइंट थ्री थ्री के बाद, थ्री से पहले। क्वेश्चन नंबर 7, इवेल्यूएट 1.2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपको 1.2 का होल स्क्वायर फाइंड करना, तो यानी कि 1.2 का होल स्क्वायर मतलब उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो 1.2 के हम 1.2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1.44। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें हमें क्यूब फाइंड करना है, तो क्यूब यानी कि 3 टाइम्स हम लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन में। अब तीनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 0.027। नाउ वर्ड प्रॉब्लम, ये 9 से लेके 19 तक जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम है सब जो है सेम ही है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। अ बस कैन कवर 62.5 किलोमीटर, मतलब वन आवर में जो है वो इतना जो है कवर कर रहा है डिस्टेंस, तो वो 18 आवर में कितना करेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे, डिस्टेंस कवर बाय बस इन वन आवर, है ना, वन आवर में वो इतना करा, लेकिन 18 आवर का वो पूछ रहा है। अब वन का जब दिया है और 18 का पूछ रहा है तो उस कंडीशन में हमें मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे हम दोनों की तो कितना आएगा 1125 किलोमीटर, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस है जो 18 आवर में उसने कवर करी है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, टिन ऑयल जो वे कर रहा है वो कितना कर रहा है, 16.8 है। देखो हमें 45 सच टिन्स का बताना है, यानी कि करेंगे दोनों में मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वेट ऑफ द 16 kg ऑफ शुगर ईच वेइंग 48.450। मतलब कि आपको 16 बैग का वेट बताना है शुगर बैग्स का, और ईच मतलब एक जो बैग है उसका जो वेट है वो 48.450 kg दे रखा है। सबसे पहले हमारे पास वेट जो है वन बैग का ऑलरेडी गिवन है, हमें 16 बैग का निकालना है, यानी क्या करेंगे, 16 से जो वन बैग का जो वेट है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि आएगा आपका 775.2 kg, ये जो है 16 बैग का आपका वेट आ गया। तो सभी क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करनी है। 16 क्वेश्चन देखिए, 1 kg मतलब 1 kg राइस का जो है वो इतने रुपए का है, तो इतने kg राइस बताना है, तो क्या करना है, हम इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करनी है। 1 kg का हमने राइस का कॉस्ट लिखा है 56.80, लेकिन हमें जो है 16.25 kg राइस का वेट बताना है, कॉस्ट बताना है, तो कितना आ जाएगा आपका, दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि 923 rupees जो है हमारा टोटल जो है कॉस्ट होगा। नाउ 19 क्वेश्चन, अ टैक्सी ड्राइवर चार्ज, जो एक टैक्सी ड्राइवर है वो इतना चार्ज कर रहा है 1 किलोमीटर के लिए, वो इतना जो है चार्ज कर रहा है, तो हमें कितना बताना है, हाउ मच विल वी ही चार्ज फॉर अ जर्नी, मतलब अगर हमें 106.5 किलोमीटर की जर्नी अगर कंप्लीट करनी है तो उसके लिए वो कितना चार्ज करेगा। सबसे पहले 1 किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज हमें ऑलरेडी गिवन है 9.80, लेकिन हमें इतने 106.5 किलोमीटर डिस्टेंस का चार्ज बताना है, यानी कि दोनों की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा यानी कि 1043.70। तो जितने भी जो वर्ड प्रॉब्लम है वो सारे जो है मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड है, यहाँ पे डेसिमल के आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है विद स्टेटमेंट, तो ये एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। ओके, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय।